वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो अभी ऐसा है कि हम लोग तैयारी करने लगे हैं जी। तो गाइस, जैसे कि हम लोग तैयारी की तैयारी करने लगे हैं तो हम लोग तो सब जागे हुए थे, सोया कोई भी नहीं था। तो अभी ऐसा है कि मैं चाय बना रही थी और दाल गरम कर रही थी। इसके अलावा जो है अभी ऑमलेट वगैरह बना लूँगी और पराठे पापा लेकर आ चुके हैं। तो अभी ऐसा है कि ये मैं वहाँ दस्तरखान लगवाती हूँ मन से बोलकर। और इमन सिमरन में जाओ बेटा, जाओ शीट लगाओ वहाँ पर बिछाओ, ज़्यादा पागल हो जाती है। पापा पापा क्यों, मोहम्मद सोरा भी वहाँ मज़ा चला देगी। कैसा दिया अबल में गिरा हुआ बंदा जल्दी जाओ घटिया। तू खत्ता में बेटा, तू खत्ता में। कोई बात नहीं यार, ये होता रहता है हमारा। चलो यार, इससे पहले कि दाल गर्म होने की वजह जल जाए मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद ब्लॉग को बना लूँगी। तू बेटा खत्ता में नाच ले जितना नाचना है। आ लेने आओ, लो आ जाओ बेटा, प्लेट ले लो, आ जाओ शाबाश, आओ कुछ नहीं बोलूँगी, आ जाओ। अच्छा आ जा, ये ज़्यादा ज़ोर से पड़ेगा तो तू मारने में इतनी देर लग जाएगी। और मेरे नमाज के कपड़े गंदे हुए ना ईमान, तो मुझसे पूरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये थोड़ा अच्छा होगा, मज़ा मज़ा आ गया, दफा वाला तू शक्ल लेगा यहाँ से। चलो जगह बना दो थोड़ी सी मेरे लिए भी, मैं इधर बैठ जाती हूँ। ऐसे बोलेगी बहन को, देख रहे हो ना यार। हम ना कहाँ, और ये इसका रोज का ड्रामा है। चलो गाइज, अब हम सैरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। ज़ूम हुआ बता बहुत। क्या जोकर वोकर दिख रहा है तुम्हें यहाँ, कोई कौन? तू अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाती रहती है बार बार, सही हो रही थी। सिमरन अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाती रहती है करके। ये नहीं करना, ये नहीं करना, आई रियली डोंट लाइक। सिमरन इतनी कमज़ोर हो रही है कसम से, तो रोज़े रखेगी तो मेरे जैसी हो जाएगी। ये बात अम्मी ने बिल्कुल बिल्कुल सही बोली है। चलो गाइस, अभी मैं सैरी करने लगी हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। और यहाँ खत्म मेरी हिम्मत को लेके बाहर बैठे। तो भाई अभी जो है ये लोग सब ब्रश वगैरह करिए क्योंकि टाइम नहीं है इतना, मैंने कर लिया है। और सिमरन तहज्जुद पढ़ने चली गई है। तू मुझे दे रही है क्या? दूँ बेटा क्या दूँ? अच्छा ये अपना फ़ोन मांगती रहती है, बेकार में ऐसा हर वक्त अपना फ़ोन मांगती रहती है मुझसे।
हद हो गई। तो महम महम देखो महम देखो महम भाई खड़ी रहो एकदम अब ये भी देख ये भी देख मेरा मुन्ना लाल हो गया उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद 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 ओ इसको बोलो ओ ये हंसता है ओ ओ बिना वजह इसके दांत ऐसे नजर आए जैसे डायमंड। देखो हम क्यों करें ओ इसमें हंसने वाली आवाज है उसको हंसी आती है बिना वजह मतलब बच्चे ऐसे होते हैं यार कुछ भी ओ चलो गाइज अभी अजान का वेट कर रहे हैं अजान हो जाए फिर हम लोग जो है नमाज पढ़ेंगे। और तो गाइज अभी हम लोग नमाज पढ़ने लगे हैं अजानें हो गई थी और अभी एवन की मैं नमाज पढ़ रही हूँ। मेरा पूरा स्काफ ख़राब हो जाता है एक तो बार बार ये नमाज़ पढ़नी है और एवन ने पढ़ ली अब यहाँ पर मैं नमाज पढ़ूँगी गाइज। सो चलिए हम नमाज गाइज अभी जो है सैलन बज गया है तो हम इफ्तारी करने लगे हैं। तैयारी के बाद मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा बिजी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर इफ्तारी करने लगे हैं और अजान भी हो गई है खोलो खजूर से खोला करो ये भी माह ने नमाज पढ़ ली है और बाकी एमन से मैं नमाज पढ़ने लगी हैं फिर उसके बाद ये लोग ये सारी शीट वगैरह हटाएंगे यहाँ से आकर बाहर की शीटें उठाओ जल्दी से आकर वो बर्तन वगैरह बाकी ये मोहम्मद के लिए अम्मी लेकर आई हैं भाई पापा लाए थे तो मैं पीछे रहते रह जाती। अच्छा इसने भी नमाज पढ़ ली हमना ने भी मोहम्मद अकरम कैसी है अकरम है अच्छी तो अभी मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ और मैं नमाज पढ़ लूँ ये देखो यहाँ पर बैठा बन रही है इन लोगों की बताओ तो गाइस अभी मैं नमाज पढ़ लूँ और फिर उसके बाद जो है फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दुआ मांगती हूँ हाँ अच्छा और क्या होगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो भाई अभी हम लोग इफ्तारी के बाद चाय बना रही थी ना और आगे खाना चला भी बढ़ गया। अच्छा फिर क्या हुआ था सब में बढ़ गया सही है मैं हमदा में बना रही हूँ यहाँ पर किचन में ये आ गई एक और वाह वाह सारी बहने सारी बहने किचन में कितनी अच्छी लग रही हैं भाई माशाल्लाह। अब से मैं तो खाना हाँ ये नाचेगी आप फिर झाड़ू पोछा करेगी मोटी बहुत हो रही थी अम्मी ने कहा बैठ के पोछा लगाओ पूरे घर में सही कहती है बैठ के बनाऊंगा सही है शेम और भी गोलियां चाहेंगी बहुत खुश हो रही थी अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा अभी अम्मी दीवार के साथ बैठी थी अब टेबल के पास बैठ के फ्रूट चाट खाती है इतना हंसने वाली तो कोई बात थी नहीं अम्मी क्या कह रही है आपके बारे में लाइट ऑन करो देखते से अम्मी पकड़ी गई वहां अम्मी फ्रूट चाट खा रही है पकड़ी गई अम्मी अम्मी मीठा खा रही है भाई आपका अब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपका मीठा थोड़ा शुगर जो है लो हो
तो गाइस अभी जो है आज मैंने ना इफ्तारी का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एक तो घर में कुछ नहीं बना था, ज़्यादा अच्छी से बाहर से आई थी, और दूसरा ये कि वही रोज़ रोज़ एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज जो है स्किप कर दिया इफ्तारी का ब्लॉग, डायरेक्ट इफ्तारी करते हुए दिखा दिया था आप लोगों को। अभी जो है फिर इफ्तारी के बाद हम लोगों ने ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी और काफ़ी लेट आज चाय बनी है, वरना हम लोग चाय जल्दी बना लेते, लेकिन अभी हम लोग का प्लान था बाहर जाने का, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि चाय घर में पिए या बाहर जाके पिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा यार चाय बना ही लेते हैं, घर में चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाके हम वैसे ही कुछ खा पी लेंगे। तो अभी घर में हम लोगों ने मैंने चाय बना ली है और अभी सब चाय पीने लगे हैं, और ये हम जो है मोहम्मद के लिए मिल्क शेक बना कर लाएंगे बनाना का। ये लो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद बहुत हंग, अब मेरी गोद में बैठ रही है, अभी मेरी गोद टूट जाती। और एमन सिमरन ने कल इफ्तारी के टाइम पर ना अपने क्लिप्स बनाए थे कुछ, वो वीडियो एडिट कर रही है। अच्छा ये फोन इस्तेमाल कर रही है भाई, फोन यूज कर रही है। तो गाइस अभी जो है अपने ब्लॉग को यही एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे सारे ब्लॉग्स आप तक आराम से पहुँच जाएँ। अल्लाह हाफिज़।